हाय, दिस इज मनीष शर्मा। सो ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे फ्लैग एंड पोल पैटर्न। फ्लैग एंड पोल पैटर्न के बेस पे ट्रेड कैसे लेना होता है, फ्लैग एंड पोल पैटर्न कैसा दिखता है चार्ट पे और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं अगर आप फ्लैग एंड पोल के बेस पे ट्रेडिंग कर रहे हो। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना, एंड तक देखना, और वीडियो के एंड में मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा कि फ्लैग एंड पोल के बेस पे आपको ट्रेड कैसे लेना होता है। सो पहले मैं आपको थियोरेटिकल पैटर्न समझाता हूँ और उसके बाद में मैं आपको चार्ट पे प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दूंगा। सो फ्लैग एंड पोल पैटर्न कुछ ऐसा दिखता है, स्टॉक में एक रैली हो चुका है, फिर एक कंसोलिडेशन होता है और जब यहाँ से ये ब्रेकआउट देता है तब ये फ्लैग एंड पोल ब्रेकआउट होता है। फ्लैग एंड पोल के जो टारगेट होते हैं वो दो टारगेट होते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि सिर्फ एक ही टारगेट होता है, ऐसा नहीं है, दो टारगेट होते हैं फ्लैग एंड पोल के। ध्यान से सुनना, पहला टारगेट होता है हाइट ऑफ द फ्लैग, दूसरा टारगेट होता है हाइट ऑफ द पोल। यानी जो फ्लैग का हाइट है उतना पहला टारगेट होगा, अप्रोक्सीमेटली ये पहला टारगेट हुआ, और जो हाइट ऑफ द पोल है ये सेकेंड टारगेट होगा, यानी अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक सेकेंड टारगेट। तो पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये। कई लोग इसमें क्या मिस्टेक करते हैं, ध्यान से समझना, कई लोग ये पहले टारगेट पे प्रॉफिट बुक नहीं करते, उनको लगता है कि फ्लैग एंड पोल का टारगेट सिर्फ एक ही टारगेट होता है और यहाँ से ही प्राइजेस पूरा रिवर्स हो जाता है। सो इसलिए उनको लॉस हो जाता है क्योंकि वो प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाते और सडनली प्राइजेस वहां से रिवर्स हो जाता है। सो फर्स्ट टारगेट पे आपको थोड़ा बहुत पार्ट प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए और सेकंड टारगेट के लिए आपको वेट करना चाहिए। फ्लैग एंड पोल पैटर्न आई होप आपको समझ में आ रहा है। एक अच्छी खासी रैली होती है प्राइजेस में और उसके बाद प्राइसेस कंसोलिडेट करता है, यहाँ पर कंसोलिडेट करता है और उसके बाद ब्रेकआउट देता है। इसके ट्रेड लेने को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, मैं आपको वीडियो के एंड में थोड़ा बहुत समझाऊंगा। लेकिन अगर आपको फ्लैग एंड पोल इन डिटेल में सीखना है तो आप हमारा पेड टेक्निकल क्लासेस प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैं बहुत सारे पैटर्न सिखाता हूँ और वो सारे पैटर्न्स में एग्जैक्टली ट्रेड कैसे लेना है, एग्जैक्टली स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, वो सब भी मैं आपको सिखाता हूँ। सो ये नॉर्मल फ्लैग एंड पोल पैटर्न हुआ। अब मैं आपको इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल भी समझाता हूँ, इसका उल्टा भी होता है, रिवर्स इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न। प्राइसेस ने एक अच्छा खासा डाउनफॉल दिखाया, उसके बाद ये कंसोलिडेट करता है एक रेंज में, उसके बाद यहाँ पर जब ये ब्रेकडाउन देता है तो वापस वही हाइट ऑफ द फ्लैग और हाइट ऑफ द पोल, इतना टारगेट अचीव हो सकता है। सो पहला टारगेट समवेयर अराउंड हियर, सेकंड टारगेट समवेयर अराउंड हियर। सो हाइट ऑफ द फ्लैग पहला टारगेट, हाइट ऑफ द पोल सेकंड टारगेट। ये दो टाइप के फ्लैग एंड पोल पैटर्न होते हैं, ये नॉर्मल फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, ये इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न है। फ्लैग एंड पोल पैटर्न ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। ट्रेंड कंटिन्यूएशन का मतलब ये है कि जो रैली हुई थी उसी डायरेक्शन में प्राइसेस वापस कंटिन्यू कर सकता है ट्रेंड। सो आप देख सकते हो यहाँ पर रैली, बेस और रैली, ड्रॉप, बेस और ड्रॉप, इसको रैली बेस रैली, ड्रॉप बेस ड्रॉप भी बोलते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना, इट्स अ नॉर्मल फ्लैग पैटर्न ओनली। आई होप आपको थियोरेटिकल पार्ट समझ में आ रहा है। अब मैं आपको चार्ट पे प्रैक्टिकल एग्जांपल भी समझाता हूँ। ये 15 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पर आप देख सकते हो छोटा सा फ्लैग बना है, एक अच्छा खासा रैली हुआ, फिर एक कंसोलिडेशन हुआ, चार पांच कैंडल का कंसोलिडेशन हुआ है आप देख सकते हो, और उसके बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है और इसमें दोनों टारगेट अचीव हुए, हाइट ऑफ द फ्लैग भी और हाइट ऑफ द पोल भी। और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, ये भी फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, आप देख सकते हो ध्यान से, थोड़ा सा स्लांटिंग फ्लैग है ये, आप देख सकते हो यहाँ पर रैली हुई, एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ और यहाँ पर इसने गैप अप के साथ ब्रेकआउट दिया है और काफी अच्छी रैली हमें वापस देखने को मिली है। तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न है और ये ऐसा पैटर्न है कि आप डेली बेसिस पे यूज कर सकते हो, काफी ज्यादा टाइम आपको चार्ट पे ये देखने को मिलता है और काफी ज्यादा पावरफुल पैटर्न है। अब मैं आपको एक काम करता हूँ, स्टॉक्स में भी एग्जाम्पल दिखाता हूँ इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल के भी, तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। ये आईसीआईसीआई बैंक का आवरली चार्ट है और यहाँ पर आप देख सकते हो स्लांटिंग इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना है, थोड़ा सा स्लांट है, डाउनफॉल आया, एक कंसोलिडेशन हुआ आप देख सकते हो, यहाँ पर 8-10 कैंडल्स है और उसके बाद एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला और इसमें भी दोनों टारगेट अचीव हुए, हाइट ऑफ द फ्लैग और हाइट ऑफ द पोल। सो इस तरीके से फ्लैग एंड पोल पैटर्न में ट्रेड होता है। इसमें ज्यादातर लोग मिस्टेक कहाँ करते हैं वो भी मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझना। ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जब ये फर्स्ट टाइम आता है तभी वो बाइंग करने का सोचते हैं और यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होता है, सेकेंड टाइम वापस जाता है ये, तो वापस रिटेल ट्रेडर्स बाई करने के सोचते हैं, ये सोचते हैं कि ब्रेकआउट हो गया, वापस ये नीचे आता है, कई बार ये थर्ड टाइम भी नीचे आ जाता है और फोर्थ टाइम ये ब्रेकआउट देता है। अब जब ये फोर्थ टाइम ब्रेकआउट देता है रिटेल ट्रेडर का, ऑलरेडी दो बार स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, तो वो लोग ये ट्रेड भी नहीं लेते और उसके बाद यहाँ पर ये ब्रेकआउट देकर ऊपर चला जाता है।
तो आपको ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आप ये मिस्टेक करते हो, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा ये मिस्टेक करते हुए, वो फ्लैग एंड पोल ब्रेकआउट होने से पहले ही दो बार स्टॉप लॉस खा चुके होते हैं, इसलिए वो फ्लैग एंड पोल ब्रेकआउट ही पूरा मिस कर देते हैं और फिर पूरी रैली मिस कर देते हैं। फ्लैग एंड पोल ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन फाइंड आउट करने के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, अगर आपको वो सीखना है तो आप हमारा टेक्निकल क्लासेस पेड प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैं आपको हर एक पैटर्न्स का ट्रेड लेने के पैरामीटर्स, ट्रेड लेने के सेटअप सिखाता हूँ विद एग्जैक्ट टारगेट, एग्जैक्ट एंट्री और एग्जैक्ट स्टॉप लॉस के साथ में। आई होप आपको फ्लैग एंड पोल पैटर्न में ट्रेड कैसे लेना ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और रिटेल ट्रेडर कहाँ पे मिस्टेक करते हैं ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। एक और मैं आपको मिस्टेक बताता हूँ, ध्यान से समझना, ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न नहीं होता है। कई लोग ऐसा फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाते हैं, इसको फ्लैग एंड पोल पैटर्न नहीं होता है। फ्लैग एंड पोल पैटर्न मतलब ऐसा पैटर्न होता है, ये इतना भी ज्यादा कंसोलिडेशन नहीं करता है फ्लैग एंड पोल पैटर्न में। अगर ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, इसी लेवल के आसपास ये ब्रेकआउट दे देगा, इतना लंबा कंसोलिडेशन नहीं होता है। तो कई लोग ये मिस्टेक भी करते हैं। सो फ्लैग एंड पोल पहले आप पैटर्न समझो, फ्लैग एंड पोल पैटर्न समझने के बाद में उसको आपको चार्ट पे आइडेंटिफाई करना सीखना है, उसके बाद उसमें ट्रेड लेना सीखना है, प्रॉपर एंट्री के साथ में, प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर टारगेट के साथ में आपको ट्रेड करना है। बट ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, इतना ध्यान में रखना। कभी भी आपको अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड नहीं करना है, मतलब अगर फ्लैग एंड पोल पैटर्न है तो इसका ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट होता है, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन नहीं होता है। ये एक हमेशा पॉइंट याद रखना, ज्यादातर लोग यहाँ पर भी मिस्टेक कर देते हैं, वो लोग यहाँ पर सेल कर देते हैं और फिर बुरी तरह फंस जाते हैं, फिर उनको बड़े लॉसेज हो जाते हैं। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करना है। आई होप आपको ये वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा फ्लैग एंड पोल पैटर्न के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फ्लैग एंड पोल पैटर्न के बारे में सीख सके। और ये काफी हाईली कॉमनली यूज पैटर्न है, आप इसको इंट्राडे में भी यूज कर सकते हो, आप इसको आवरली चार्ट पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।